गंदगी और बैक्टीरिया पर करे वार, आ गया है डिटर्जेंट निखार। आज ही अपने नजदीकी किराना स्टोर से प्राप्त करें और प्रत्येक खरीद पर पाएं एक आकर्षक उपहार। सफेदी की नई परिभाषा। रंग पंचमी के मौके पर अशोकनगर जिले के करीला धाम पर लगने वाला भव्य मेला देश भर में प्रसिद्ध है। इस स्थान का धार्मिक महत्व और यहां मन्नत पूरी होने पर प्रसिद्ध बुंदेलखंडी नृत्य राई की भी काफ़ी यहां धूमधाम रहती है। इस मेले को लेकर जिला प्रशासन काफ़ी सारी व्यवस्थाएं मेले के सफल आयोजन के लिए करता है। इस बार भी मेले में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। कहा जाता है यहाँ पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वह पूरी होती है। अशोकनगर से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित करीला धाम पहाड़ी पर स्थित माता जानकी का मंदिर, जहां पर जब भगवान राम ने माता सीता को त्याग दिया था तो वनवास के दिनों में माता सीता ने वाल्मीकि जी के आश्रम पर रहकर लव और कुश को जन्म दिया था। जन्म के बाद स्वर्ग से अप्सराओं ने आकर बधाई नृत्य किया था। इसी मान्यता के आधार पर इस मंदिर पर हर साल रंग पंचमी के अवसर पर विशाल मेला लगता है। देश भर से श्रद्धालु यहां आते हैं और सीता माता के दर्शन कर मन्नत मांगते हैं। मन्नत पूरी होने पर बुंदेलखंडी नृत्यांगनाओं से राई की बधाई नृत्य करवाते हैं। रंग पंचमी के दिन का विशेष महत्व होने के कारण एक ही दिन में यहां 10 से 15 लाख भक्त दर्शन करने और मन्नत मांगने आते हैं। वैसे मेरा चौथा करीला मेला है जी। इसमें एक मेला बीच में कोरोना काल नहीं हो पाया था। इस बार लगभग आपके अनुमान से कितने लोगों के, लाख लोगों के आने की संभावना है? लगभग 5 लाख के आसपास अभी दर्शन करके जा चुके हैं अंदाज जो है सर इस बार, और 10-15 लाख और लोग भीड़ आ सकती है क्योंकि अभी पीक आवर स्टार्ट हुआ है। कितना फोर्स है अभी यहाँ पे, कहाँ कहाँ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंतजाम किए गए हैं और कहाँ से फोर्स बुलाया गया? कितना? सबसे पहले तो जो रूट इंतजाम लगा हुआ है, जो यहाँ पे मुख्यतः 4 रूट आने के हैं, चारों रूट पे हमारा इंतजाम लगा है। जो बामोरी शाला एक मार्ग है, वहाँ पार्किंग है और रूट इंतजाम लगा हुआ है, पार्किंग व्यवस्था लगी है। खानी खेरा बेले मार्ग, उसमें भी आपको जो अशोकनगर साइड से लोग आते हैं उसमें भी व्यवस्था लगी है। वहाँ पे भी भारी वाहनों से लेकर हल्के वाहन और मोटरसाइकिलों तक की पार्किंग की अलग से व्यवस्था की गई है, और रोड पर भी इंतजाम किया गया है। ललितपुर मार्ग है, उसमें भी पार्किंग व्यवस्था लगी गई है, और जो आपातकालीन मार्ग है उसमें भी व्यवस्था लगी है। इन चारों मार्गों में पुलिस प्रशासन के साथ में वहाँ पर जो ओवरलोडिंग के खिलाफ भी हम उनको सतर्क कर रहे हैं पब्लिक को कि लगातार ओवरलोडिंग नहीं करें। ट्रैक्टरों में जो डबल डेकर बना के चल रहे हैं उस वो भी नहीं करें क्योंकि उससे खतरा है, और चूँकि इतनी पब्लिक है उनको हम समझाइश ही दे सकते हैं, और चूँकि उसके बच्चे उच्चे साथ में रहते हैं उनको हम समझाइश दे के कम स्पीड में गाड़ी चलाएँ, ये हम समझाइश उसको मोड़ों पर ढंग से गाड़ी ले जाएँ, इस प्रकार की समझाइश लगातार हम लोग दे रहे हैं। कुल कितना फोर्स किस किन जिलों से बुलाया गया है अभी? जोन से फोर्स माननीय एडीजी आईजी साहब के द्वारा दिया गया है, साथ ही पीएचक्यू से भी फोर्स एसएफ का फोर्स मिला है, पीटीएस का भी फोर्स मिला है, 4 से ऊपर फोर्स हमारा लगा हुआ है। सर इस बार जो मेले में जो सेक्टर व्यवस्था की गई है तो उसमें सेक्टर व्यवस्था में जो आपको अस्थाई वॉलंटियर भी मिले हैं तो लगभग कितने वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं? लगभग हमारे 300 वॉलंटियर्स हैं, जिसमें कि 100 तो हमारे मंदिर परिसर में जो मंदिर दर्शन कर रहे हैं, पुलिस जवानों के साथ वो काम कर रहे हैं, साथ ही हम नगर रक्षा समिति वालों को लगभग 150-200 लगाए वो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं और व्यवस्था बनाने में सहायक। सर इस मेले में जो चले बाजार, हल्लो भैया चले बाजार, गंदे की जड़ का हुए शिकार। यार हंसी सुधा हमने हंसिया निकार। अरे हल्लू भैया चिल्लाइए नहीं, अब हमारे पास है डिटर्जेंट निखार, जाके संगे जी आएगा उपहार। अच्छा है
गंदगी और बैक्टीरिया पर करे वार, आ गया है डिटर्जेंट निखार। आज ही अपने नजदीकी किराना स्टोर से प्राप्त करें और प्रत्येक खरीद पर पाएं एक आकर्षक उपहार। मीनाक्षी डिटर्जेंट्स का निखार डिटर्जेंट पाउडर, सफेदी की नई परिभाषा।